तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हूँ। दोस्तों आज का तुम्हारे भाई लेकर के बाद फिर से नए कमाल का ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के। दोस्तों आज के इस प्रीव्यू में आपने जो देखा है गाइस, बहुत ही कमाल के नए नए इफेक्ट के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक पर आज का जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी स्टेप में और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों इस प्रकार का स्टेडस क्रिएट करने के लिए जो आपने अभी प्रीव्यू देखा है, तो इस टाइप का स्टेडस क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर में जाएगा। अगर आपको इसका मोडोजन चीज जिसे गाइस वाटर मार्क ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पिन है, वहाँ से जाकर के आप इजीली ले सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा, जैसे सॉमिट मार्क और सेक फेयर, तो दोनों को जाकर आपको डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के बाद उसके आएगा जो प्रोसेस है वो आपको हम बता देते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको जब अपना अलर्ट मशीन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस तो हो जाएगा, और उसमें आपको प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्किट और सॉमबिट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉमबिट मार्क पर क्लिक कर लेते हैं इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर आपको बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से बीट शो हो जाता है। तो दोस्तों बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को अटैच करना है। तो फोटो अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना है, दोस्तों मीडिया पर जाना है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं नाम नंबर क्लिक करें तो गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप जहाँ भी फोटो रखेंगे वहाँ से अपनी फोटो को चूज करके अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फोटो को क्लिक करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना, थियेटर पर क्लिक करके फिर से क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दें। दोस्तों एरो पर क्लिक करके बचे हुए भाग को आपको इस प्रकार से कट कर दें, ठीक है। और उससे यहाँ पर आपको जितने बीट दिख रहे हैं बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को अटैच करना है। तो मैं फटाफट से फोटो को अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के सेक्शन में सभी जगह फोटो को अटैच कर दिया। इसमें गाइस आपका टोटल 56 फोटो अटैच होने वाला है। तो आप फोटो को लेकर किस प्रकार से चूज कर सकते हो। दोस्तों दोस्तों हमारा फोटो है कुछ इस प्रकार से हमारा जो है हो चुका है ऐड, ठीक है। दोस्तों आपको भी किस प्रकार से फोटो को अटैच करना है। फोटो अटैच करने के बाद इस पर आपको इफेक्ट लगा, इफेक्ट कैसे कैसे लगाना आपको बताते हैं, बहुत ईजी स्टेप में आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस आप फोटो लगाने के बाद उसमें जो आपका जो लाइटिंग इफेक्ट शो हो रहा था ऊपर से नीचे, यानी कि दो जो लाइनिंग ऊपर आपको शो रहा है दो नीचे, तो वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से हमने सब नंबर फिक्स करके रखा है, एक से लेकर के आपको टोटल 7 नंबर तक देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ईजी स्टेप में आप इस किसी भी फोटो पर ला करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। दोस्तों बैक करके आपको आ जाना होगा इस तरह से सेकी फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको इफेक्ट क्रिएट किया हुआ दिखाई दिया होगा दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप इसको कैसे क्रिएट करो, जो हमारा ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को कैसे क्रिएट करना वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिख रहा है इफेक्ट है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 5 6 नंबर, ठीक है। टोटल 7 इफेक्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो आप जितने नंबर है नंबर के हिसाब से ला करके वहाँ पर जाकर आपको सीधे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थियेटर पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। दोस्तों कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको मिला ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सॉमबिट मार्क में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ प्रकार से आपको फोटो शो हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पर क्लिक करना है, फिर पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपका एक नंबर दिख रहा है, तो इसमें एक नंबर जितने होंगे आपको एक नंबर के ऊपर जितने फोटो होंगे उस पर लगाकर आपको पेस्ट कर देना होगा। वैसे गाइस 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर टोटल आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाने के बाद आपको सेक इफेक्ट में इस प्रकार से आ जाना है, ठीक है। दोस्तों जैसे आपने सेक इफेक्ट में इस प्रकार से आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको इस प्रकार से वनगा स्क्रीन। यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, दो लाइनिंग है, ठीक है। जो आपको लाइनिंग दिया जो कि कलरफुल के साथ, तो आपको तीनों को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। और उससे यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके आपको कॉपी लेयर कर लेना है और बैक करके आपको आ जाना है अपने सॉमबिट मार्क में। कैसे आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इस जो दिख रहा है आपको ऊपर लेयर, इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। तब का जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा सारे इफेक्ट को लगा देने के बाद। और कैसे इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के पे बगल में क्लिक करके बॉक्स पे क्लिक करके इजीली आपको गैलरी में सेव कर लेना होगा। आपका मात्र 2 से 3 मिनट में स्पोर्ट हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।